हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज आप हमारे साथ केवल 10 मिनट दीजिए। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, केवल ये 10 मिनट आज आप देंगे तो आपको यह 10 मिनट 10 घंटे के बराबर लगेगा कि आपको 10 घंटे का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़िए। आज देखिए, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जैसा आप थंबनेल हमारा देख रहे हैं कि अब ऐसे करें तैयारी मात्र 2 महीने में 100% सिलेक्शन के साथ, तो इस पर आज हम पूरी बात करेंगे। क्या बात है गाइस, पहले हम आपको दिखा देते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन ये है कि आप ये दो बुक देख रहे हैं, जीआरबी की, जीआरबी बुक्स, आरके पिल्लई और कुमार मलिक की। ये जूलॉजी है और ये बॉटनी है। ये देख लीजिए, फॉर नीट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और दूसरी देख लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक सेट ये भी है एनसीईआरटी पैटर्न की बायोलॉजी है, ये क्लास 11th की है और ये क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है। और तीसरी सेट जो हमारे पास है वो क्या है, उसको देखिए आप जरा, ये देख लीजिए कि बिल्कुल ये क्या है, ट्रूमेंस बायोलॉजी है, ट्रूमेंस न्यू पैटर्न। और ये किस पर बेस्ड है, नीट और एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है पैटर्न पर। ठीक है, तो गाइस हम आपको बता दें कि हमारी जो आज की रणनीति होने वाली है वो क्या होने वाली है। हमारे साथ आप केवल 2 महीने जुड़िए और लगातार जुड़िए, कंटिन्यू जुड़िए। हर दिन शाम 9 बजे आप हमारे साथ जुड़िए और मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं। और किस बेस पर, एनसीईआरटी पैटर्न की बेस पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। और आपको बता दें, इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछे जाने का है वो टोटल और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। चाहे आप बीपीएससी देख लीजिए, चाहे पीछे आप टीजीटी पीजीटी देख लीजिए, चाहे आप नीट का देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन, कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है नीट के क्वेश्चन को भी उठा करके रख दिया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप टीजीटी पीजीटी अनसॉल्व जैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से नीट का भी अनसॉल्व लेकर के उसको भी आप सॉल्व करिए। तो अब मैं आपको बता दूं, फिलहाल उसको सॉल्व करें या ना करें, लेकिन अभी आप फिलहाल ये दो बुकें आप लीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये दो बुकें ले लीजिए, एनसीईआरटी की 11th और 12th की। और उसके बाद जो क्वेश्चन का कलेक्शन है गाइस, इसमें जितना दमदार कलेक्शन है क्वेश्चन का और बहुत ही मज़ेदार हैं। और फिलहाल इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ किन टॉपिक से मेरा क्वेश्चन होने वाला है, जिससे आपके 2 महीने में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। 2 महीने में आपका पूरा टॉपिक कवर होगा। 2 महीने का बराबर 60 दिन, 60 दिन बराबर 60 चैप्टर। हर दिन एक चैप्टर का पोस्टमार्टम होने वाला है और बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से ही पूरा पोस्टमार्टम शुरू होगा। तो वो टॉपिक एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। तो चलिए मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ गाइस। देखिए टॉपिक क्या है जो होने वाले हैं क्वेश्चन, 60 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 60 दिन में पूरी कंप्लीट तैयारी। तो 60 दिन में देख लीजिए, ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक 11th और 12th जितने भी चैप्टर हैं, जितने यूनिट हैं, हर एक दिन चैप्टर का एक दिन पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है, हर दिन शाम 9 बजे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये है 11th की बुक जो है, 11th की बुक में आप देख लीजिए कितने यूनिट हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हो गई यूनिट फर्स्ट। ठीक है, कौन सी यूनिट है गाइस, ये है यूनिट फर्स्ट। और इसमें आप देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इनमें 4 चैप्टर हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये आपके 4 दिन में होने वाले हैं, ये 4 दिन में होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट सेकंड की अगर बात करें गाइज, यहाँ पर आप यूनिट सेकंड को देखिए, देखिए ये यूनिट सेकंड है। ठीक है, यूनिट सेकंड में देख रहे हैं आप कि क्या है यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इनमें कितने हैं चैप्टर, 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर इसमें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, उसके बाद यूनिट थर्ड आ जाती है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, सेल पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और देख लीजिए चैप्टर इसमें भी 3 हैं, तो सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायो मॉलिक्यूल्स, द साइकिल एंड सेल डिवीजन, इतने चैप्टर हैं। तो टोटल कितने चैप्टर हुए, 10 चैप्टर यहाँ से हुए, यूनिट 3 तक आपको 10 चैप्टर मिले और एक चैप्टर का पोस्टमार्टम एक दिन होने वाला है। और आगे देखिए मैं आपको दिखा दूंगा इस, यहाँ पर अगली यूनिट क्या है, देख लीजिए 4th यूनिट यहाँ पर देखिए, और इसमें कितने यहाँ पर चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हैं यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतने हो गए। तो टोटल 15 लेक्चर यहाँ से हो गए। उसके बाद यूनिट 5 आप देखिए, यूनिट 5 की मैं बात कर लूँ, यूनिट 5 में देख लीजिए कितने चैप्टर हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर यहाँ पर हैं।
तो देख लीजिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। इतने टोटल 22 दिन का यह है पूरा, क्लास 11th की जो बायोलॉजी है 22 दिन की है। हर एक दिन मैं जैसा बताया वैसे दमदार क्वेश्चन के साथ पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है उसके बाद। और ये दो बुक मैं गाइज आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों बुकों को आप परचेस कर लीजिए, ले लीजिए, तभी आपको मजा आने वाला है इससे आप। और ये 12th का है, ये 12th का है गाइज। 12th में देख लीजिए कितने यूनिट है, 1, 2, 3 और ये 4, 5, 5 यूनिट यहाँ पर भी है, 5 यूनिट यहाँ पर भी है गाइज, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं 12th के बारे में। अब इसमें देखिए पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये यूनिट यहाँ पर देख रहे हैं रिप्रोडक्शन यूनिट है, और इसमें 4 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पर है 4 चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, इसमें 3 चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, इतने चैप्टर। फिर उसके बाद अगली जो यूनिट है गाइस, अगली यूनिट है यहाँ पर देख लीजिए, ये है अगली यूनिट, क्या है अगली यूनिट कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब 1, 2, 3 चैप्टर यहाँ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इतने टोटल चैप्टर हैं गाइस मैं आपको बता दूं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं यूनिट आ गई 9th, यूनिट 9th में देख लीजिए आप, यूनिट 9th में कितने 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और यूनिट 10 में क्या है इकोलॉजी, और इसमें क्या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज, इतने हैं टोटल गाइस। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे साथ बने रहिए हर दिन, मैं इसी तरीके से ये पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं, ठीक है, इसका पूरा पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 2 महीने आप मेरे साथ आइए और आपको पता चल जाएगा, पहली बात 15 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपकी जो बायोलॉजी है वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है हमारे साथ इन चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन करके केवल गाइस, ठीक है। थ्योरी नहीं देखेंगे, केवल प्रैक्टिस सेशन देखेंगे तब भी आपको पूरी तरीके से पता हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो एनसीईआरटी की 2 बुक आप ले लीजिए, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इन सारी बुकों से जो मैंने अभी आपको दिखाया उन सारी बुकों से ही कराने वाला हूँ। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।